महीने की शुरुआत में ही वोल्वो ने कहा था कि भविष्य में कंपनी सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कर देगी। इसी के साथ कंपनी ने XC40 SUV का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च किया था और इसके बाद एक हफ्ते बाद ही कंपनी ने इसका पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन पेश कर दिया है। वोल्वो की यह पहली कार होगी जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी। वोल्वो कार के सेफ्टी हेड मेलिन एगोम ने कहा, कार चाहे इलेक्ट्रिक हो या कंबस्टन, लेकिन उसका सेफ होना बहुत जरूरी है। यह कार अब तक की सबसे सेफ कार होगी। उन्होंने कहा कि इसकी सेफ्टी के लिए इंजीनियर्स को आगे का पूरा स्ट्रक्चर रीडिजाइन और रीइंफोर्स करना पड़ा। उन्होंने कहा इसकी सेफ्टी भी दूसरी वोल्वो कारों जैसी होगी। XC40 में बैटरी एल्यूमिनियम के बने हुए एक सेफ्टी केज में होगी और बैटरी कार की मिडल में होगी। कार के फ्लोर पर बैटरी होने से कार के सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से किसी दुर्घटना की स्थिति में गाड़ी पलटती नहीं है। ये कार सिर्फ 5.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। तो मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती है। दोस्तों, ये कार 250 kW और 340 PS का पावर और 600 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो इसमें 78 kWh की बैटरी कैपेसिटी और 75 kWh की यूजेबल बैटरी दी गई है। दोस्तों, इस कार को टाइप 211 kW AC चार्ज से चार्ज करोगे तो यह कार 8 घंटे और 15 मिनट में 0 से 400 किलोमीटर बिना रुके चल सकती है। और अगर आप फास्ट चार्जर पोर्ट CCS से 150 kW DC पावर से चार्ज करोगे तो यह कार सिर्फ 28 मिनट में फुल चार्ज होकर 340 किलोमीटर प्रति घंटे तक बिना रुके चल सकती है और यह कार 400 किलोमीटर की रेंज भी देती है। दोस्तों, डायमेंशन वेट की बात करो तो इस कार की लंबाई 4425 mm, चौड़ाई 1875 mm, ऊंचाई 1675 mm और 2700 mm व्हील बेस के साथ आती है और इस कार में 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। XC40 पहली वोल्वो कार है जिसमें एडवांस ड्राइव असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS सेंसर प्लेटफॉर्म है। ADAS प्लेटफॉर्म मॉडर्न स्केलेबल एक्टिव सेफ्टी सिस्टम है जिसमें कई रडार्स, कैमरा और अल्ट्रासोनिक सेंसर है। आने वाले समय में वोल्वो इस कार के बारे में और भी डिटेल देगी। हालांकि लोगों के सामने कार को 16 अक्टूबर को पेश किया जाएगा और इसकी कीमत यूनाइटेड किंगडम में £4,900 रखी गई है।